हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश कुमार मौर्य अपने चैनल आरके ग्री सॉल्यूशन में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको मूली की फिर से एक ऐसी दवा बताने जा रहा हूं दोस्तों, जिसका आप प्रयोग एक ही बार करिए और अपने मूली से छुटकारा पाइए। जो कीड़े की प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा देखने को मिले दोस्तों, हम पहले वीडियो में 2-3 दवा आपको बता चुका हूँ दोस्तों। तो उसके लिए मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी दवा का ट्रायल किया जाए जिससे कि मूली में कीड़े से एकदम छुटकारा ही पाया जा सके एक ही दवा से, बार बार उसका प्रयोग ना किया जाए दोस्तों। तो उसको हमने पहले अपने खेत में ट्रायल किया, जब उसको ट्रायल किया तो उसका उत्पादन अच्छा खासा दिखा और उसमें कीड़े लगा ही नहीं दोस्तों। तो हमने सोचा क्यों ना फिर आप लोगों को भी बताया जाए दोस्तों। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं अभी हम अपने मूली के खेत में खड़े हुए हैं। आप ये देख सकते हैं इसमें एकदम कीड़ा वगैरह कोई लगा नहीं है दोस्तों, आप खुद देख लीजिए। और ये वैरायटी है दोस्तों, हाईवेज कंपनी की हम बोए थे, हाईवेज कंपनी की वैरायटी थी, उसमें पहुँचा किया है, पहुँचा कंपनी की सीड थी दोस्तों, हम उसको बो दिए थे, हाइब्रिड थी, लेकिन थोड़ा सा बारिश की वजह से इसकी जड़ थोड़ा ग्रोथ कम कर पाई, जिस दिन बोए उसी दिन बारिश हो गई, जिसके कारण थोड़ा जड़ का ग्रोथ कम हुआ, पहुँचा कंपनी का सीड था दोस्तों। दोस्तों चलिए हम आपको दवा बताते हैं दोस्तों। दोस्तों पहला नंबर आपको बताते हैं, बारिश में दवा डालने की उतना ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बारिश में उतना कीड़ा नहीं लगता दोस्तों। आप नहीं भी डालेंगे तब भी आपको हो जाता, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों उसके लिए आपको करना क्या है कि अडामा कंपनी का एक बरोज आता है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, स्क्रीन में चल रही है दोस्तों। आप इसको क्या करिएगा, आप फील्ड का प्रिपरेशन करते समय 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप अपने खेत में जब जुताई करिए तब मिला दीजिए दोस्तों। 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से बरोज हो जाए, देख लीजिए आप इसका प्रयोग फील्ड के प्रिपरेशन करते समय आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, इसको 15 दिन बाद आप इसको फिर 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से अपने खेत में इसको डाल देना है दोस्तों। आप इसको फिर 4 एकड़ को जब 15 दिन बाद आप डाल देते हैं, 2 बार आपको इसको अपने फील्ड में डालना है दोस्तों, और डालने के बाद आपके खेत से कीड़े की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हैं, आप एक मूली हम आपको फिर से उखाड़ के दिखा रहे हैं, मूली देख लीजिए कि मूली में कीड़ा बिल्कुल नहीं लगा, आप देख लीजिएगा दोस्तों। हम इसमें बरोज अडामा कंपनी का यूज़ किए थे दोस्तों, और अच्छा खासा इसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। आप इसका अपने खेत में प्रयोग कराइए और आप अपने खेत से मूली की निजात पा सकते हैं दोस्तों। आप जो मैं पहले वीडियो बताया था वो उसका भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस था, ऐसा नहीं कि उसका नहीं था, उसका भी था, लेकिन बहुत सारा उसमें टीम काम करना पड़ रहा था, कई बार दवा का स्प्रे करना पड़ रहा था। तो हम तो ये भी कहेंगे दवा का जितना कम हो सके उतना प्रयोग करिए, तो उसी के चलते हमने आपको इसको भी ट्रायल किया और इसका उत्पादन अच्छा खासा हुआ, तो हमने सोचा आपको बताया जाए। बस आज के लिए इतना दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।